सबसे पहले समझेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा तुम लोग क्या करोगे, म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दोगे। या तो बच्चा आप मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज रखते हो, आप मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज रखते हो तो भैया आपको अच्छा खासा नॉलेज है, सीधा कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीद दो। कई बात समझ में आ रही है, मार्केट का नॉलेज है कि हमें रिलायंस कंपनी के, टाटा कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए, तो आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे ब्रोकर के हेल्प से और डायरेक्ट उसको गाइड करोगे जिससे वो आपको शेयर्स खरीद के दे देगा। आपने खुद का दिमाग लगाया। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, मार्केट में घुसना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और कौन सी नहीं। हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते, हमारा और भी दूसरे काम है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। साइड बाय साइड हमारा पैसा सही जगह लग जाना चाहिए। तो अब आप किस पे भरोसा करते हो बच्चा, म्यूचुअल फंड पर। जैसे कि आप हो, ऐसे ही बहुत सारे लोग, ऐसे ही बाकी लोग भी क्या करते हैं बच्चा, एक छोटा छोटा अमाउंट जब आप किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर्स खरीदने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर मैं एमआरएफ की बात करूं तो बच्चा एक शेयर कितने का, 70 का, 80 हजार का। एक शेयर कितने का बच्चा, 70-80 हजार का, 40 हजार के, 50 हजार के, ऐसे ऐसे शेयर की वैल्यू होती है। तो अगर एक शेयर खरीदना है तो कितना पे करना पड़ेगा, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 80 हजार, एक शेयर खरीदने के लिए। कभी ढूंढना कि भैया कंपनी के एक शेयर की वैल्यू टॉप में कौन सी चल रही है, तो बच्चे ऐसे आपको हजारों में मिलेंगे, तो मुश्किल है ना एक शेयर भी खरीद पाना। तो भैया एक ही शेयर खरीदोगे क्या, थोड़ा ज्यादा खरीदने की उम्मीद रखोगे। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है, एक काम करें, सब लोगों का पैसा, हमारे जैसे और भी लोग क्या करेंगे बच्चा, छोटा 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 पैसा क्या करेंगे बच्चा, थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर कर किसको दे देंगे बच्चा, म्यूचुअल फंड को। मतलब मैंने म्यूचुअल फंड को दिया, आपने भी दिया, आपने भी दिया, आपने भी दिया, सबने मिलकर बच्चा म्यूचुअल फंड को दे दे। क्या म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा फंड हो जाएगा, अच्छा खासा फंड हो जाएगा, तो बच्चा वो अच्छी बड़ी कंपनी के शेयर क्या खरीद पाएगा। हाँ, तो खरीदने वाला शेयर कौन है बच्चा, म्यूचुअल फंड। ये एक एक्सपर्ट टीम है, प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट में पूरा टाइम फुल टाइम काम कर रही है, फुल टाइम नजर रखे बैठी है। क्या हमें फुल टाइम नजर रखने की जरूरत है क्या? या तो आप फुल टाइम काम करो, पूरा टाइम स्टॉक मार्केट को देखते रहो। आप देखा होगा है ना, कभी किसी के बारे में सुना होगा कि भाई फुल टाइम कोई न्यूज आती है तो तुरंत स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बैठ कर देखते रहते हैं। भैया इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या किया बच्चा, किसी प्रोफेशनल बॉडी पे ये भरोसा दिखाया। तो म्यूचुअल फंड पे ये भरोसा हम दिखा रहे हैं, हमारा छोटा छोटा पैसा उनके पास क्लब हो जाता है। हमें बच्चा एक शेयर खुद खरीदने की जरूरत नहीं है, हमने बस 5 हजार दिए, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने 5 हजार दिए, ऐसे 50 बच्चा लाख लोग हो गए, तो म्यूचुअल फंड के पास आ गया ना पैसा अच्छी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। वो क्या एलिजिबल है? हाँ, लेकिन बदले में वो हमें क्या देंगे बच्चा, यूनिट। हमें शेयर्स नहीं मिलते हैं, हमें शेयर्स नहीं मिलते, म्यूचुअल फंड को शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि खरीदा किसने है, म्यूचुअल फंड ने। हमने तो पैसा लगाया है। तो उन्होंने कहा भैया आपको क्या मिलेगी बच्चा, यूनिट। आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगी, यूनिट। और आप शेयर होल्डर नहीं कहलाओगे, आप क्या कहलाओगे बच्चा, यूनिट होल्डर। कई बात समझ में आई। चलिए बच्चा अब ये पैसे कहाँ लगाते हैं, शेयर मार्केट तो समझ में आ गया। कि वह शेयर मार्केट में लगाते हैं? नहीं, शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, और बच्चा प्रॉपर्टीज में भी, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज में भी पैसा लगाते हैं। हमने अपना पैसा किसको दे दिया, म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी वैरायटीज होती है, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी वैरायटीज है। एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो क्या बोल रहा है बच्चा, मैं शेयर खरीदूंगा। एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो क्या कह रहा है, मेरा काम क्या है, प्रॉपर्टीज खरीदने का। बच्चा अब मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जाती हूँ बच्चा विजयनगर में, इस जगह की मैं अगर बात करूँ, लेबर चौक के पास की बात करूँ, तो इस जगह पे करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। अगर मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए तो खरीद सकती हूँ अकेले? नहीं। तो मैंने क्या किया, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, इन सब के क्या बना दी बच्चा, म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया। और ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया। अब क्या म्यूचुअल फंड करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद सकती है? हाँ, वो मिलके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेगी, और हम भी उसके एक तरीके से यूनिट होल्डर होंगे, मालिक होंगे। कल को उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, रियल एस्टेट में लगाया जाएगा। कल को उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा बच्चा, बेचा जाएगा। तो बच्चा अच्छे दाम में बिकी, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भैया 4 करोड़ में बिकी, उसका रिटर्न आएगा। तो सबको उसके यूनिट के हिसाब से बच्चा, जैसे डिविडेंड बढ़ता है वैसे सबको उसके यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका रिटर्न। क्या ये बात समझ में आ गई? तो म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारी उनकी स्कीम्स होती है, प्लान्स होती है। आप कौन से वाले में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो स्टॉक मार्केट के शेयर्स तो खरीदता ही है, इसके अलावा और किस पे इंटरेस्ट होता है उसका, प्रॉपर्टी, और क्या बोल रखा है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
होता कैसे, इन्वेस्टर पहले पैसे किसको देता है बच्चा, फंड मैनेजर। क्या वर्ड यूज किया बच्चा, फंड मैनेजर, मतलब ये वो एक्सपर्ट है, ये वो एक्सपर्ट है जो आपके फंड्स को क्या करे बच्चा, मैनेज करे। कि मैंने अकेले ने पैसा दिया नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों ने दिया, इन लाखों लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो मैनेज करेगा कि कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, किस कंपनी के शेयर्स में लगाने चाहिए। एक जगह पूरा पैसा नहीं लगाते बच्चा, डाइवर्सिफिकेशन रखते ताकि अगर एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह फायदा निकल आए बच्चा। अब सिक्योरिटी में लगाया उन्होंने पैसा, पैसे में बच्चा सिक्योरिटी शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड होगा, रिटर्न मिलेगा, तो बदले में इन्वेस्टर को भी मिलेगा क्या। तो ऐसे पूरी साइकिल घूमती है, क्या ये बात समझ में। तो सारे के सारे इन्वेस्टर जो कि यूनिट होल्डर होते हैं, पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा करके किसको देते हैं बच्चा, म्यूचुअल फंड को। उसमें बैठा रहता है एक फंड मैनेजर, मैनेज करने वाली पूरी टीम एक्सपर्ट, वो सिक्योरिटीज डिसाइड करते हैं किसमें लगाना चाहिए किसमें नहीं, और फाइनली बच्चा वो रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है इन डिविडेंड फॉर्म। क्या ये बात समझ में आई। अगर शेयर्स में लगाए तो डिविडेंड फॉर्म, अगर प्रॉपर्टी वगैरह है तो जो भी समथिंग रिटर्न, क्लियर है। चलिए आपकी बुक में आएंगे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे बच्चा। इंट्रोडक्शन, व्हाट डू मीन बाय बच्चा म्यूचुअल फंड। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड एक टाइप का फंड है जो कि क्या होता है बच्चा, प्रोफेशनली मैनेज होता है। इसमें कौन होते हैं बच्चा, हमारे प्रोफेशनल्स, ठीक है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, सब लोगों का इन्वेस्टमेंट एक साथ इकट्ठा किया जाता है और ये प्रोफेशनल्स उस पैसों को लगाते हैं। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ पूल्स ऑफ मनी, पूल मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, सारे मनी को इकट्ठा कर रहे बच्चा, फ्रॉम किससे, मेनी इन्वेस्टर्स। आपने आए दिन न्यूज चैनल में नहीं तो बच्चा एडवर्टीजमेंट में ही है ना, म्यूचुअल फंड SBI का म्यूचुअल फंड इसका उसका, कितने सबका म्यूचुअल फंड सुनते हैं, ठीक है। तो सबने अपने म्यूचुअल फंड खोल रखे हैं और बच्चा स्कीम्स देते रहते हैं, आपको जिस स्कीम में इंटरेस्ट होगा आप उसमें जाएंगे, स्कीम की वैरायटीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट किसमें करते बच्चा, स्टॉक्स में, और क्या लिखा है, बॉन्ड्स में, या फिर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट्स भी होते हैं और इसके अलावा अदर सिक्योरिटीज भी होती है। इस चैप्टर में लिस्ट पढ़ेंगे, मतलब हर टाइप की सिक्योरिटीज बोल सकते हैं, सबको इसका सिक्योरिटीज बोल सकते हैं, हाँ सिक्योरिटी के डेफिनेशन में सब आते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक तरीके का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, मेनी इन्वेस्टर्स अपने सारे पैसे को एक साथ इकट्ठा पूल करते हैं और ये प्रोफेशनल उन पैसे को डिसाइड करते हैं कि किन किन सिक्योरिटीज में लगाना है, जो कि उन्होंने लिस्ट बताया,